नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर पंजाब राजभवन में विश्वविद्यालयों और पंजाब के संस्थानों के कुलपति निदेशकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एजुकेशन में बहुत सी स्टेटों से आगे है और आगे हो सकता है और भी, तो क्योंकि पंजाबी जिस काम के लिए ये मन में धार लें कि ये करना ही करना है, तो दुनिया का कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस मंजिल तक जाने से हमें रोक सके। तो मुझे भी हौसला मिला कि गवर्नर साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद सुना और मुझे भी यहाँ बुला के मौका दिया है कि क्या कर सकते हैं हम मिलके। और जिस दिन इन्होंने कार्यभार संभाला था, मैंने भी मीडिया को यही कहा था कि गवर्नर साहब और पंजाब गवर्नमेंट मिलके काम करेंगे। हम तो एक ब्रिज का काम करते हैं गवर्नर साहब फेडरल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर अमृतसर दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, भगवंत मान को लेकर जहां पर दशहरा के उपलक्ष्य में करेंगे अमृतसर का दौरा, रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे भगवंत मान। श्री दुर्गियाना तीर्थ मैदान में रावण दहन कार्यक्रम, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृतसर दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दशहरा के उपलक्ष्य में अमृतसर का दौरा है, रावण दहन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मान, की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृतसर दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, दशहरा के उपलक्ष्य में अमृतसर का दौरा, रावण दहन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। श्री दुर्गियाना तीर्थ मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम होगा, जहां पर सीएम भगवंत मान का अमृतसर दौरा है। और इस बीच जो है श्री दुर्गियाना तीर्थ मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नंगल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की खोली हुई टीवीएस एजेंसी का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ता को नंगल में टीवी एजेंसी खोलने के लिए बधाई दी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में भारत दोपहिया वाहनों के उत्पादन में नंबर वन और चार पहिए के वाहन में चौथे स्थान पर है। वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर उन्होंने हरियाणा की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा की जनता हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार का प्रदर्शन देख चुकी है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन, क्योंकि मैं जब सांसद बना तब नंगल ऊना तरवाड़ा रेलवे लाइन भी 40 साल में नंगल से लेके ऊना मुश्किल तक पहुंच पाई। मैंने इसको कुछ वर्षों में भाजपा की सरकार में हिमाचल का पूरा काम करवा दिया, तलवाड़ा तक के भी लैंड एक्विजिशन करवा के अब हम उसको आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए उसके लिए दिला दिए। फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट मंजूर कराया भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन, ये अपने आप में क्रांति लाएगी, टूरिस्ट को मनाली ले तक पहुंचाएगी। हमारे बहुत कम समय में ये रेलवे लाइन इतनी तेजी के साथ बनी है। भाई हाथ थले करो और सूद हाथ थले कर। खबर आनंदपुर साहिब से है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर जोर शोर से लगे हुए हैं, तो वहीं प्रशासन की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर एसडीएम ने बताया कि 132 गांवों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें से 27 पर सहमति बन चुकी है। इसमें से कि 115 गांवों में सिंगल बूथ और 18 गांवों में डबल बूथ हैं और कुल 151 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएसपी ने संवेदनशील और अति संवेदनशील गांवों की सूची मिली है, जहां अधिक बल तैनात किए जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 159 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਰਾਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,
ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ 27 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 132 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 326 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ उधर बठिंडा रेंज में पुलिस ने पंचायती चुनाव के चलते चौकसी बढ़ा दी है। जिला मानसा और बठिंडा में भारी पुलिस बल के साथ लगातार पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। इसको लेकर डीआईजी बठिंडा रेंज ने बताया कि बठिंडा और मानसा में पंचायती चुनाव को लेकर अमन शांति बनी रहे। फिलहाल रेंज में करीब 350 सुरक्षाकर्मियों की कमी है, जिसके लिए स्पेशल डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी गई है। ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬ 350 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਲੀਕਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। खबर फिरोजपुर से है, जहां CIA स्टाफ ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 1 किलो 528 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 730 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बता दें कि IPS वरिष्ठ कप्तान पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस असामाजिक तत्वों की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भी कर रहे थे तो फिर उस पूर शहर के अंदर अदरवाइज भी एंड पूरे चारों सब डिविजन के बीच भी असी पिछले 3 महीनों में बहुत एफर्ट लगा के एरियाज देके हॉटस्पॉट देके उनके एनालिसिस करके काफी दोषी ऑलरेडी जेल दे विच पेज चुके ने। उसी मुहिम नू आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार फिरोजपुर पुलिस वालों कमर्शियल रिकवरी की गई है 1.5 किलो हीरोइन की, ओदे विच दो दोषी गिरफ्तार ने। अदरवाइज जेड़े पुराने जिनके पर्चे है उन्होंने वेरीफिकेशन दौरान दो दोषी होर गिरफ्तार किए गए हैं। ओदे विच एक करण है जिसके पुराने 5 पर्चे ने और दूजा जेड़ा लखन है ओदे विच ओदे उपर पुराना 1 पर्चा। उधर फिरोजपुर पुलिस लगातार नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस पार्टियों का गठन जो है छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में फिरोजपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कैसो ऑपरेशन में 13 मुकदमे दर्ज किए और 16 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने देसी दारू भी बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 4 नशा तस्करों को 1 किलो 528 ग्राम हीरोइन और 3 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस उसके साथ गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि मामले में को जो है SSP फिरोजपुर सौम्या मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। मानजोग DGP सर पंजाब पुलिस की हिदायत अनुसार जिड़ा कासो ऑपरेशन किया गया था ओदे विच फिरोजपुर पुलिस ने टोटल 13 मुकदमे दर्ज किए हैं ते 16 दोषी गिरफ्तार किए हैं। एदे विच कमर्शियल रिकवरी 1.5 किलो की किती है, ओदे नाल नाल 3 इलीगल वेपन जिड़े 32 बोर 30 बोर 315 बोर की पिस्टल्स 20 राउंड भी रिकवर किए हैं। इलिसिट लिकर जिड़ी देसी लिकर है उन्हों की भी बॉटल्स रिकवर की गई है। इस तो अलावा जिहड़े चलान किए गए हैं साडे शहर दे विच जिहड़े विदाउट नंबर प्लेट्स वाले वहीकल सीगे या ट्रिपल राइडर्स या फिर सस्पेक्टेड लोग थे, टोटल 48 चलान किए गए हैं ते 25 वहीकल इंपाउंड किए गए हैं। उधर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कपूरथला के फगवाड़ा सिटी पुलिस स्टेशन के थानेदार को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और उसके साथी जसकरण सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया है। DSP सुखदेव सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की और बताया कि पीड़ित की शिकायत मिलने पर SHO को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
उधर अमृतसर के ग्रीनफील्ड इलाके में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर जानकारी के अनुसार महिला की हत्या उसके पति ने की है। मृतिका के परिजनों ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे, जिसके बाद पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमें न्याय चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बात हुई है? सर मैं थानू इन्फॉर्मेशन आई है कि रीतू नाँ की लेडी का मर्डर होया वा, उहदे विच अहीं मुलाजा मौका करन रहे हैं। उन्होंने वारस माँ प्यो सदे है जी, उन्होंने रीतु के जो बयान लिखाणगे उहदे अकॉर्डिंग ला दे अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर पता लगा की कारण सी, क्यों उन्हें मारे? वेरीफाई करने हैं जी, तस्दीक तफ्तीश करने, तफ्तीश से जो ला सामने आए गए जिन्हों का रौला उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पूनम है, मैं मान सिंह गेट से रहने वाली हाँ। मेरी बेटी सी अज तो 10 साल पहले व्याई है। केड़ी जगह ते व्याई गई? ग्रीनफील्ड। अच्छा जी। ते उस तो बाद घर च छोटे मोटे झगड़े होंगे सी, पर असं प्यार समझाना सीगा ना बच्चे यही गल ना करो जिन्हों का तुहाडा घर खत्म होवे। पर मेरी बच्ची नहीं चाहती, वह कहती मम्मी मेरा बेटा है, मैं पाल लवानी, मैनू नहीं चंगा समझते। कोई गल नहीं, बेटे कोई प्रोग्राम बच्चे जमानदरी हाथ नहीं सी है, तो ताने मीने मारते थे तू टुंडा जम दिता है। विशाल जो है साडा जवाई है, मैं मामा लगता, मैं कपूरथले तो आया, मेरा नाम जीवन प्रकाश वालिया, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला प्रधान हाँ, उत्थे का रहने वाला कपूरथले शहर का। जो मैंने सवेरे 6:30 बजे इन्हों का फोन आया मैनू भी मामा जी इदा ना मेरी सिस्टर का कतल हो गया। मैं क्या किने किया? कहिंदे भी जवाई ने ते उहदा जिहड़ा दिओरा ते जिहड़ा उहदा सोहरा वा, इन्हां ने तिन्हां ने रल के इन्हां दी साजिश रल के इन्हां नूं मारिया गया। बताओ अपना क्या है? बिहार। क्या बात हुई है? पापा ना मम्मी को मारे थे, दादू चाचू पास में खड़े थे, मैं रो रहा था। कहाँ पर? ऊपर। अपने को मारते थे? नहीं, पहले डांटते थे, अब मार दिए। किसके साथ मारा? चाकू। तो मम्मा उधर श्रोमणी कमेटी के सदस्य गुरचरण सिंह ग्रेवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने फेडरेशन के अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब से अनुरोध किया है, हालांकि उन्हें पहले से ही इस मामले की जानकारी थी, लेकिन हमने उनसे इस फिल्म को रिलीज करने का अनुरोध किया है। बता दें कि हम लोगों से और सरकारों से भी यही अनुरोध करते हैं कि क्या इतिहास को खत्म नहीं किया जा सकता है इस फिल्म के जरिए, जो फिल्म बिना कट के हो जो आनी चाहिए, मैं ये गिफ्ट कर दूंगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਲਗਾ पंचायत चुनाव से लेकर चुनावी अखाड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन में जिस किसान की मौत हुई है उसके गांव वालों में लोगों का आपसी भाईचारा तब देखने को मिला जब गांव के 9 पंचायत सदस्यों में से गांव के लोगों ने गांव के विकास और सर्वसम्मति से जो है चुने गए 8 पंचायत सदस्यों का मुख्य फोकस प्रगति है और गांव की सरपंच प्रत्याशी अमरजीत कौर के पक्ष में हजारों की संख्या में लोग गांव में जुटे, जहां गांव के लोगों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं समेत सभी मतदाताओं ने एक बड़ी सभा में सरपंच का चुनाव लड़ रही अमरजीत कौर को गांव का सरपंच बनाने की घोषणा की। ये मेरे नगर दुई सरपंची है, नगर ने मेनू साथ दिता, नगर जिवें मेनू अज साथ दिंदा ओवे मेनू बाद च भी मेनू साथ देवे। हुण भी मैं कहनी हां मेरा साथ पहला नगर है, फिर बाद च कोई कम, जिवें मैनू नगर कहूगा उवें मैं नगर दे नाल ही चलना, जिहड़े कम रहिंदे अधूरे सेहत ते सिख्या दे ये पहला होणगे।
ਇੱਕ ਡੀਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਨਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਗਰ, ਨਗਰੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਂਝਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ 3400-3500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਵੋਟਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ। ਮੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਓਂ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਆ। ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਰਯ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੈਨਾਤ IO ਸੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਧੁਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ DGP ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਕੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕੀ ਗਈ ਤਵਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ ਲਿਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਆ। ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਆਪਾਰ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀ ਗਈ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। उधर लुधियाना में पत्नी ने शादी में जाने से इनकार कर दिया, जिस पर गुस्साए पति ने बेल्ट से पत्नी को पीट पीट कर बुरी तरह से मार दिया। लड़की के परिजन जब लड़की को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। भड़के परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। भड़के परिजनों ने वीरवार को थाना Division No. 7 का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने भी लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम मीना, मैं मेरी भैन लगती, छोटी भैन लगती। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰੀਨਾ ਦੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਬਿੱਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਕੀ ਟੱਕਰ ਸੇ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਕੀ ਮੌਤ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯੁਵਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੀ ਉਮਰ 26 ਵਰਸ਼ ਬਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਗਾਂਵ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਥਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਾਂਵ ਹਾਜੀਪੁਰ ਸੇ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਸਵਾਰ ਹੋਕਰ ਜਾਗੋ ਸੇ ਵਾਪਸ ਗਾਂਵ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਜਬ ਵਹ ਗਾਂਵ ਰਾਮਪੁਰ ਬਿੱਲੋ ਕੇ ਭੱਟੇ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਸਕੀ ਗਾੜੀ ਭੱਟੇ ਔਰ ਈਂਟ ਕੇ ਪਹੀਏ ਸੇ ਟਕਰਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਾ ਕਿ ਗਾੜੀ ਕੀ ਛੱਤ ਉੜ ਗਈ ਔਰ ਯੁਵਕ ਕੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਥਾਨਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸੇ ASI ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵ ਕੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਮੇਂ ਰਖਵਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਢੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਾਗੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰੇੜਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰੜੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਗੋ ਦੇਖ ਕੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਾ ਭੁੱਲਣ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ,
8 9 महीने ब्याह नूं होए ते 8 के दिन पहला इटली तो आया हुण इहने जाणा सी कनेडा नूं। इह साडे पिंड दे विच बहुत ही दुखदाई घटना वापरी आ। असीं इहनां दा बहुत तहि दिलों दुख प्रगट करदे आ सारे पिंड वल नगर वासी। कोई कहण दी गल नहीं रही। कोई 11 क बजे है ना रामपुर विडो दे सरपंच दा फोन आया गा कि बैल दे पट्ठे लागे कोई कार जिहड़ी आ पलट गई आ, एक्सीडेंट होने कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई लगती है। इतने माने मैं समेत पार्टी मौके पर पुजा तो जी कार जी चक्के वज के इटा चक्के वज के पलट चुकी थी, जिसे नौजवान व्यक्ति जिहड़ा इहदी पछाण अमृतपाल सिंह पुत्र राज कुमार पिंड डूगरपुर वजों हुई, जिहदी डेड बॉडी जी एंबूलेंस राही सिविल हॉस्पिटल खाई गई है। कार्रवाई जी 194 BNS BNSS जी कार्रवाई अमल भी ली जा रही। उधर पंजाब सरकार में कैबिनेट फेरबदल के बाद खनन विभाग के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री परविंदर कुमार गोयल ने नरोट जयमल सिंह के अधीन भारत और पाकिस्तान के करीबी क्षेत्र में अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा की और इस अवसर पर गिरती रावी नदी के तटों का विशेष दौरा किया। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा आवंटित सभी खनन स्थानों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद रेत और बजरी के दरें आसमान छूने लगी, इसलिए उन्होंने इसे समय के साथ बदलती दर कहा है। इस मौके पर उन्होंने खास बातचीत करते हुए कहा कि यह दौरा सीमा क्षेत्र की रावी नदी में खनन को लेकर था। इस दौरे का मकसद रावी नदी में हो रहे खनन का जायजा लेना और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से पंजाब में अवैध रूप से आ रही क्रशर सामग्री का जायजा लेना है। इस पर अंकुश लगाने का प्रयास होगा। ये देखना आए थे कि सही ढंग दे नाल क्रशर चलन, माइनिंग सही ढंग दे नाल हो गई, लोगों को सही रेता बजरी मिले, वो सारी स्थिति मौके पर देखने के लिए मैं इतने आया थी। तो जो खड्डा ने इतने नीलाम हो चल रही ने नहीं चल रही वो भी देखिया ने। सो ये सारिया स्थितियां देख के असी किसी नतीजे पर पुजांगे भी सही काम वैसे तो सही चलो जिस तरह हो रहा है, पर मैं क्रैशर वाले भी कई लोग मिले आ, इन्होंने कहा भी साढ़े क्रैशर बंद ने सानू रॉ मटीरियल नहीं मिल रहा, ठेकेदार दे नहीं रहे, कुछ इस तरह दी प्रॉब्लम आईया, वो असी सारे प्रॉब्लम पर विचार करांगे। अज इत्थे आए हैं, कल होर कई जगह जाना है। सो सारा जिथे भी माइनिंग का काम है वो सारा असी देखांगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।